दिस इज वॉट टोबैको मोजैक वायरस। जैसे मैं बता रही थी आपको, सेंटर में आरएनए का मॉलिक्यूल है, ये देखो चेन की तरह पूरा ट्विस्टेड है, ठीक है, सर्कुलर चेन की तरह ट्विस्टेड है, और ऊपर ग्रेप्स जैसे मैंने बताया था गुच्छेदार कैप्सोमर्स हैं, प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, प्रोटीन कोट की सब यूनिट्स हैं, एक के ऊपर एक झालर जैसी लगी हुई। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट, टोबैको मोजैक वायरस। यहाँ देख रहे हो पूरा स्पाइरल में लगा हुआ है, और रेड कलर का अंदर क्या है इसके, सेफ आरएनए, आरएनए कोर है, और बाहर से क्या है, कैप्सोमर है। सेकंड में साइड में ही एक और वायरस है जिसका हेड है, कॉलर है, टेल है, और टेल फाइबर्स लगे हुए हैं। दिस इज बैक्टीरियोफेज वायरस। आपके एनसीईआरटी में बोथ द डायग्राम्स आर गिवन टू यू, ठीक है, बोथ डायग्राम्स आर गिवन। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखो पूरा लेबल किया हुआ है, हेड दिया है, कॉलर दिया है, हेलिकल शीथ दी है, टेल पिंस, हेक्सागोनल बेस प्लेट दी हुई है। दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, और ये टोबैको मोजैक वायरसेस के बारे में दिया हुआ है कि इसमें आरएनए कोर होती है, प्रोटीन कोट होता है जो कैप्सोमर्स का बना हुआ होता है। सो विद दिस यू ऑल विल नो दैट यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। It consists of, viruses only consist of two important things, outer protein coat and inner nucleic acid. And nucleic acids are saved and protected by the protein coat. Clear? So this is the thing. Now we will come to our PPT which we were discussing. PowerPoint se hum log samajh rahe the. This is the chapter 2, biological classification. The last topic is virus, viroids and prions. Viruses are the connecting link between living and non-living organisms that we have studied. And these are the important points about the discovery of the viruses. Non-cellular organisms having inert crystalline structure outside the living cell. Means outside the living cell, they will be like inert crystalline structures or chemicals. But they will be just non-living outside the host. Once they infect the living cells, once they come in contact with any infection, any host or any living cell, they hijack the cellular machinery. That means they hijack the enzyme systems. Enzyme systems, cytoplasm, jitna bhi uska jo structure hai, us pure ko wo ek baar infect kar le agar virus, to it will hijack the cellular machinery. And then use the host to replicate itself. खुद अपने आप को replicate करने के लिए फिर वो host को use करता है. The name of virus, virus नाम, virus word coin सबसे पहले किसने किया? कहाँ से आया है ये word? ये venom word से आया है, लिया गया है. Venom का मतलब होता है poison. जैसे poison आपका क्या करता है? Toxin होता है. It causes toxicity and that can cause death. Snake अगर काट लेता है तो स्नेक के पॉइजन से डेथ होती है. सेम केस वायरस का, वायरस किसी को इंफेक्ट कर देता है, वायरस से डेथ भी हो सकती है. 1892 में डिमिट्री इवानवास्की नाम के साइंटिस्ट ने ऐसे वायरसेस को रिप्रेजेंट करने, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वायरस वर्ड यूज किया सबसे पहली बार, जो बैक्टीरिया से छोटे थे साइज में, दे वर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया. एंड दीज आर कॉजल ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म से उसने वायरसेस निकाले थे? टोबैको मोजैक डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स, टोबैको में एक मोजैक डिजीज कर रहे थे ये ऑर्गेनिजम्स. और इनके बाद में स्पेशल बात ये थी कि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाते थे. जिन फिल्टर से बैक्टीरिया भी रुक जाते हैं, इनका साइज उनसे भी छोटा था और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाते थे, इसीलिए इन्हें वायरस नाम दिया गया, एक अलग कैटेगरी बताई गई. दीज आर अ डिफरेंट कैटेगरी. नाउ कमिंग टू एमडब्ल्यू बेजरिंग. एमडब्ल्यू बेजरिंग ने 1898 में क्या कंट्रीब्यूशन दिया? ही टेक आउट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट. इन्फेक्टेड प्लांट से रस निकाला, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट. ये एक प्लांट है, इसके पत्ते में, टोबैको के पत्ते में बड़े बड़े से पैचेस हो जाते थे, मतलब
बहुत बड़े बड़े से धब्बे जैसे हो जाते थे, वो क्यों होते थे? बिकॉज ऑफ द उसमें वायरस का इन्फेक्शन था, इट हैज वायरस इन्फेक्शन. तो व्हेन इट वाज इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस देन इट गेट पैचेस एंड दिस डिजीज इज नोन एज टोबैको मोजैक डिजीज. इस डिजीज को टोबैको मोजैक डिजीज कहते हैं. ये टोबैको मोजैक डिजीज में बड़े बड़े से पैचेस हो जाना पत्तों में, ठीक है, उन्हें ये क्यों होते थे? बिकॉज इसके अंदर रीजन ये होता था कि वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको के प्लांट में पत्तों में पैच करवाने वाला एक वायरस था जो उसके पत्तों में उसकी क्लोरोफिल निकाल रहा था. इट वॉज डिग्रेडिंग द क्लोरोफिल और बड़े बड़े से धब्बे हो जाते थे खाली खाली जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता था. तो ऐसी बीमारी को टोबैको मोजैक वायरस कहा गया, ऐसी बीमारी करने वाले को. और जब इसको एक पेस्टल मोर्टार में इस पत्ते को तोड़ा गया, इस पत्ते को क्रश किया गया पेस्टल मोर्टार की मदद से, पत्ता लिया टोबैको मोजैक वायरस का, उसका रस निकाला, ठीक है, कूट कर उसका रस निकाला क्रश करके, फिर इस रस को हेल्दी प्लांट में डाला जिसमें कोई बीमारी नहीं थी, उस हेल्दी प्लांट के पत्तों में इसे डाला, तो देखा कुछ दिनों बाद ये हेल्दी प्लांट के पत्तों में भी क्या आ गए, पैचेस आ गए, ठीक है. कुछ ऐसी चीज थी जो इस पत्ते के एक्सट्रैक्ट में थी, उस पत्ते के एक्सट्रैक्ट को जब हेल्दी पत्ते में डाला, दिस इज हेल्दी लीफ, तो हेल्दी लीफ में जैसे ही वो छीटा पड़ा, उसका एक्सट्रैक्ट पड़ा, तो इसमें भी क्या होने लग गए, टोबैको मोजैक वायरस के धब्बे पड़ने लगे. यानी कि ये लिक्विड के अंदर था, इन्फेक्शन करने वाले लिक्विड के अंदर वो था, इन्फेक्शस पत्ते में वो वायरस था. एमडब्ल्यू विजरिंग ने कहा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो रस होता है, इन्फेक्टेड प्लांट से निकाला जाए अगर और उसे हेल्दी प्लांट में डाला जाए तो वो फ्लूइड जो है वो इन्फेक्शन कर देता है, उससे हेल्दी प्लांट के पत्तों को खराब बना देता है. तो इसीलिए उसने उसका नाम क्या रख दिया एमडब्ल्यू विजरिंग ने, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडियम. एमडब्ल्यू विजरिंग ने वायरसेस को कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम बोला, ठीक है. किस साइंटिस्ट ने क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इवानोवस्की की कंट्रीब्यूशन, डिमिट्री इवानोवस्की की कंट्रीब्यूशन बताएं तो बोलना है ही कॉइंड द वायरस फ्रॉम अ वर्ड वेनम विच मीन्स पॉइजन, इट मीन्स पॉइजन. एंड एमडब्ल्यू विजरिंग की अगर कोई कंट्रीब्यूशन बताए तो तुम बताओगे कि ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट taken out from infected plant has caused to known to cause infection in healthy plants. Healthy plant में infection कर सकता है. And this fluid is known as contagium vivum fluidum. इस contagious fluid को contagium vivum fluidum कहते हैं. फिर W.M. Stanley की अगर contribution बताई जाए 1935 में, तो he showed that virus को हम crystallize कर सकते हैं. They can be made out in crystals. और ये क्रिस्टल्स अगर हम वायरस को फ्रीज करेंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, तो उनके सबसे ज्यादा उसके अंदर जो होंगी पार्टिकल वो प्रोटीन्स होंगे. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वायरसेस को कोई ना कोई जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई होस्ट चाहिए, बिना होस्ट के वो जिंदा नहीं रह सकते. ओके, सो इज इट क्लियर, इज दिस डिस्कशन क्लियर टू यू एलिश? यस. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरसेस के स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीजें बताएं कि प्रोटीन के एडिशन में वायरसेस में कोई भी एक तरह का वन काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है. इधर इट विल हैव अ डीएनए, या तो उनके अंदर एक डीएनए हो सकता है, अगर उनमें डीएनए हुआ तो दे विल बी कॉल्ड एज डीएनए वायरस, और या तो उनके अंदर क्या होगा और में, या तो उनमें आरएनए होगा. दूसरा न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? आरएनए. तो या तो वो डीएनए वायरस होंगे और दे कैन बी आरएनए वायरस, बट दे कैन नॉट बी बोथ, दोनों नहीं होंगे उनके अंदर, दोनों न्यूक्लिक एसिड एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे. ओनली वन काइंड ऑफ, एक ही तरह का न्यूक्लिक एसिड होगा. द वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब बाहर से प्रोटीन का कोट रहेगा उसके अंदर, और अंदर उसके डीएनए रहेगा, अंदर उसके आरएनए या डीएनए जो भी है वो अंदर रहेगा. एक्चुअली में इन्फेक्शन किससे होता है? डीएनए या फिर आरएनए से होता है, जेनेटिक मटेरियल से इन्फेक्शन होता है. प्रोटीन कोट तो उसको बस कवच है, प्रोटीन कोट उसका बस एक कोट है, बचाने का एक ऊपर का कवरिंग है.
बताया प्लांट वायरसेस आर द इन्फेक्टेड प्लांट हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टोबैको मोज़ेक वायरस एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्लांट वायरसेस दो तरीके के हो सकते हैं, दो कैटेगरी के हो सकते हैं, एक तो आरएनए वायरस हो सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, या तो डबल स्ट्रैंड के डीएनए वायरसेस हो सकते हैं प्लांट वायरसेस। इन बैक्टीरियल वायरसेस क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हमने अभी भी डायग्राम देखा था, दोबारा से अगर हम डायग्राम देखें तो वी कैन सी दैट दिस डायग्राम इज देयर, यू कैन सी टोबैको मोज़ेक वायरसेस। अंदर टोबैको मोज़ेक वायरसेस के एक न्यूक्लिक एसिड है पिंक कलर का, स्पाइरल चेन दिख रहा है आपको। बाहर मैंने जैसे बताया था ग्रेप्स के स्पाइरल ग्रेप्स की तरह प्रोटीन्स लगे हुए, तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है। ये आरएनए वायरस होता है, दिस इज अ आरएनए वायरस। देखो यहाँ पे भी इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा, कॉइल्ड आरएनए के ऊपर प्रोटीन सब यूनिट्स, कॉइल्ड आरएनए के ऊपर क्या है, देयर आर प्रोटीन सब यूनिट्स, सब यूनिट्स। मामी टोबैको मोज़ेक वायरस होता क्या है? हाँ, टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको में लीफ में इन्फेक्शन करने वाला वायरस है, जो मैं अभी बता रही थी, लीफ में बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं, ठीक है, तो इस वायरस से होता है। और ये क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम है, ठीक है। तो जो स्लाइड में हमें बताया है कि वायरसेस, दो वायरस के एग्जाम्पल दिए, टोबैको मोज़ेक वायरस के जो आर एन ए वायरस है, इसके अंदर पर्पल रंग का कॉइल्ड आर एन ए है, ऊपर से प्रोटीन के सभी नोट्स हैं, और ये डीएनए वायरस होता है जिसके इस हेड में होता है द डीएनए, डीएनए इज इनसाइड द हेड, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और प्रोटीन कोट इसका कैसा है, हेक्सागन शेप का है, छह साइड की फिगर दिख रही है आपको, ट्रायंगल से बनी हुई, ये इसका हेड है। ये इसका फुल डायग्राम किसका है मैम? हाँ, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज, दिख रहा है मैं जहां मार्क कर रही हूं? यस मैम। तो दिस इज डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज, ऐसा डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस डायग्राम, दीज टू डायग्राम्स ऑफ द वायरसेस, दीज आर रिटन हेयर, दोनों यहां मेंशन है, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस देखो, ये रहा, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, कैसे वायरस होते हैं ये, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्रोटीन कोट होता है जिसका नाम, जिसको कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड रिपीटिंग सब यूनिट्स का बनता है जिनको कैप्सोमर्स बोलते हैं। तो इट प्रोटेक्ट्स द डीएनए एंड आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों ही चीजें। कैप्सोमर अरेंज होते हैं हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में, तो इसमें तो हेलिकल फॉर्म में इसमें हेलिकल फॉर्म में अरेंज है कैप्सोमर्स। ये देखो, हेलिकल मतलब घूमे हुए, जैसे हमारा स्पाइरल बाइंडिंग नहीं होती, स्पाइरल बाइंडिंग कहते हैं, तो एक पाइप ऐसे गोल 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 करके पेपर पे पेपर्स में पिन करता है, हम स्पाइरल बाइंडिंग जब कराते हैं तो करवाइए कभी कॉपी yes. तो ऐसे ही yes, ma'am. प्रोटीन कोट्स में यहाँ पर कैप्सोमर्स कैसे लगे हुए हैं, स्पाइरली अरेंज्ड है, बट इसमें देखेंगे तो ये पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज्ड है। कैप्सोमर्स कैसे अरेंज्ड है, पॉलीहेड्रन में, ये जो सबसे टॉप का जो इसका हेड है, ये एक पॉलीहेड्रॉन है, ये क्या है, पॉलीहेड्रॉन, क्यों, बहुत सारे ट्राइंगल्स का बना है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी ट्राइंगल्स, देखो ऊपर तीन तो ऊपर ही है स्टार्टिंग में, yes, ma'am. फिर और भी है अंदर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे इसमें ट्राइंगल्स ही ट्राइंगल्स है, ये देखो ऐसे करके इसमें ट्राइंगल्स बन रहे हैं बहुत सारे, तो दिस टाइप ऑफ फिगर इज पॉलीहेड्रॉन। तो प्रोटीन्स ऐसे अरेंज हो, इस पूरे प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोला जाता है, कैप्सिड का शेप अलग अलग होता है, कैप्सिड का शेप अलग अलग होता है। बैक्टीरियोफेज में हेड में पॉलीगोनल कैप्सिड है, और इसमें कैसा है, टोबैको मोज़ेक में स्पाइरल, मैंने क्या बताया, व्हाट आई टोल्ड यू दैट इसमें स्पाइरल कैप्सिड है, कैसा कैप्सिड है इसमें, स्पाइरल कैप्सोमर्स इसमें स्पाइरल में अटैच्ड है। देन वी कम टू प्रोटीन कोट हो गए,
कैप्सोमर्स आर अरेंज हेलिकली एंड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स. वायरसेस कॉजेज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा. ये कुछ वायरल प्रॉब्लम्स के नाम हैं कि वायरसेस मम्स करते हैं, स्मॉलपॉक्स करते हैं, हर्पीज नाम की बीमारी करते हैं, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी करते हैं. इन्फ्लुएंजा को नॉर्मली फ्लू कहते हैं. फ्लू आपने पढ़ा होगा, कभी बर्ड फ्लू, कभी आई फ्लू, कभी कोल्ड फ्लू. ठीक है, फ्लू सिम्टम्स जिसमें फीवर होना जरूरी है, जुकाम होना जरूरी है, इन्फ्लुएंजा होता है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस करता है. हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस एसटीडी करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हर्पीज वायरस. देन स्मॉल पॉक्स वायरस, जो छोटे छोटे से स्पॉट्स हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, चाहे हैंड्स हो, चाहे लेग्स हो आपकी, उन सब पे छोटे छोटे से लाल लाल से क्या हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, चत्ते चत्ते से हो जाते हैं. जैसे हम माता बोलते हैं, माता आ गई, छोटी माता, बड़ी माता, वो एक्चुअली कौन सी बीमारी है, स्मॉल पॉक्स की बीमारी, वायरस की बीमारी. मम्प्स, मम्प्स क्या होता है, मैंने बताया आपको, टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड्स में, तो मम्प्स वायरस करता है, कॉज बाय मम्प्स वायरस. देन एड्स की बात हुई थी, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये एक रेट्रोवायरस से होने वाली बीमारी है जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. इन प्लांट्स, प्लांट्स में किसका वायरस की डिजीज का सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं. लीव कर्लिंग एक बीमारी सिम्टम है. अगर कोई पौधा वायरस से बीमार होगा, वायरस से वो इन्फेक्टेड होगा, तो उसके लीव क्या होने लगेंगे, कर्ल. ये फुल लीफ है, ये पूरा खुला हुआ है. पर अगर कोई पौधा बीमार होगा वायरस से, तो उसका लीफ कैसा हो जाएगा, ऐसे करके पूरा कर्ल हो जाएगा, अंदर की तरफ कर्ल हो जाएगा, लीफ खुलेगा नहीं, इट विल बिकम रोल, ऐसा रोल हो जाएगा पत्ता, कर्ल इनवर्ड. यस मैम. मोजैक हो जाएंगे उसके अंदर, मोजैक मतलब उसके अंदर धब्बे धब्बे से हो जाएंगे, जैसे टोबैको मोजैक वायरस का मैंने डायग्राम बनाया था, गोल गोल से स्पॉट हो जाएंगे उसमें पत्ते में पूरे, क्लोरोफिल गायब हो जाएगा बीच बीच में से. ठीक है, काले काले धब्बे हो जाएंगे, पैची अपीयरेंस. पौधे की सरफेस पीली हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगी, ड्वार्फिंग हो जाएगी, पौधा हाइट में छोटा हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ वायरसेस. किनके सिम्टम्स है, वायरस. ठीक है मैम, स्टंटेड ग्रोथ मींस क्या होता है, शॉर्ट हाइट. स्टंटेड ग्रोथ मतलब भी शॉर्ट हाइट होता है, किसी वायरस के मैम शॉर्ट हाइट रह जाती है. वायरोइड्स, वायरोइड्स क्या थे, डिनर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे सबसे पहले, इन्हें डिनर नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था 1971 में. और वायरोइड्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस, जो ऐसे एजेंट्स हैं इन्फेक्शन करते हैं जो वायरस से भी साइज में छोटे हैं, उन्हें वायरोइड्स कहते हैं. और वायरोइड्स क्या करते हैं, एक एग्जांपल दिया है, जैसे वायरसेस का एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस वाली डिजीज है, वायरोइड का एग्जांपल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, पीएसटीडी. वायरोइड से होने वाली बीमारी क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, PSTD. ये वाली बीमारी होती है वायरोइड्स. ये क्या है, ये वायरस से छोटे, स्मॉलर देन वायरस इन्फेक्टेड मटेरियल, ऐसे इन्फेक्टेड मटेरियल जो वायरसेस से छोटे हैं. और इनका कंपोजिशन क्या है, फ्री आरएनए लैकिंग प्रोटीन कोट. ये सिर्फ आरएनए मटेरियल से बिना किसी प्रोटीन कोट के, इसीलिए इन्हें वायरोइड कहते हैं. क्या बोलते हैं, वायरोइड. वायरोइड मतलब सिर्फ ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर जस्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, डबल भी नहीं, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड होगा, उसमें नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए होंगे, खाली एक ही लेयर होगी, उसमें डबल नहीं होगी, और सिर्फ यही होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए विदाउट एनी प्रोटीन कोट, इनके ऊपर कोई प्रोटीन कोट नहीं होगा. और ऐसे स्ट्रक्चर को जिनके ऊपर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटीरियल होता है, ओनली आरएनए, वो भी कौन सा वाला तरीके का, आरएनए तरीके का, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, वायरोइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वायरोइड्स. आरएनए और वायरोइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट. कैसे वेट के होते हैं, कितना वेट होता है इनमें, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है. लो मॉलिक्यूलर इसी बात है, जब वायरस से छोटा इनका साइज है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट तो कम होगा ही. ओके,
यस मैम। नाउ प्रियॉन्स, अब प्रियॉन्स की बारी। प्रियॉन्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्रियॉन्स? प्रियॉन्स आर द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन जिनकी फोल्डिंग खराब हो गई है, जिनकी प्रोटीन बिगड़ गई है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को क्या कहते हैं? बैड, बैड फॉर्म में प्रोटीन फोल्ड हो गया। मान लो प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड की चेन होती है प्रोटीन। प्रोटीन इज जस्ट अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड उसमें एक के बाद एक लगे रहते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ चेन इज नोन एज प्रोटीन। इस पूरी चेन को जिसमें मोती की माला की तरह पूरा पिरोए हुए हैं, इसको इसमें एक एक चीज क्या है, एक एक मोती क्या है? अमाइनो एसिड है। तो अगर अमाइनो एसिड का एक बड़ा सा चेन बन जाए तो वो एक प्रोटीन बन जाता है। अमाइनो एसिड्स का एक बड़ा सा चेन बन जाए तो वो एक क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ये एक सिंगल चेन का क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। समझ रही हो कि अमाइनो एसिड चेन बन जाए तो वो प्रोटीन हो जाता है। और प्रोटीन वैसे स्ट्रेट चेन में ना रहकर नेचुरली प्रोटीन क्या रहते हैं? फोल्डेड रहते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में ऐसे फोल्डेड रहते हैं एक के ऊपर एक। इनमें सब में अमाइनो एसिड की चेन तो है ही, बहुत सारे अमाइनो एसिड तो हैं, पर ये पूरे फोल्डेड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर पैक रहने के लिए। इनकी एक 3D शेप होती है। कैसी शेप होती है? 3D, डायमेंशनल। तो अगर 3D शेप और ये फोल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोटीन की फोल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो उससे क्या हो जाएगा? एक एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाएगा। कैसा प्रोटीन बन जाएगा? एबनॉर्मल प्रोटीन। एबनॉर्मल प्रोटीन, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन बन जाएगा। और उसी एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रियॉन्स। उसी एबनॉर्मल खराब फोल्ड प्रोटीन को प्रियॉन्स कहेंगे। और ये ज्यादातर दिमाग की बीमारियां करते हैं, दिमाग के न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर्स करते हैं, जिसमें दिमाग में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, पागलपन जैसी बीमारियां हो जाती है। मामी जो वर्ड है न्यूरोडेजेनरेटिव, इससे ये मतलब माइंडेड प्रॉब्लम होता है इसका मीनिंग? हाँ, न्यूरोडेजेनरेटिव प्रॉब्लम मतलब माइंड खराब होना या बीमार, ब्रेन में कैसी भी डैमेज होना, वो प्रियॉन से होने वाली ब्रेन वाली डिजीज होती है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय दिस बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इनसेफलोपैथीज। सबसे पहले जो बीमारी पकड़ में आई थी प्रियॉन से होने वाली, वो बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इनसेफलोपैथी थी। BSE बोला जाता है उसको, बोवाइन बी से, स्पॉन्जी फॉर्म से S, और इनसेफलोपैथी से E। इसमें क्या होता था, इसे मैड काउ डिजीज बोलते थे। जो गाय भैंसें होती थी, कैटल्स होती थी, वो अपने आप को खुजली करती रहती थी, बहुत ज्यादा इतनी खुजली करती थी कि वो अपनी खाल पूरी छील कर अंदर तक मांस भी खराब कर देती थी। और उन्हें दर्द नहीं हो रहा, उन्हें उनके शरीर पूरा सुन्न हो रहा होता था और उनको खून खून बहता था, तब भी उन्हें कोई वो नहीं, क्योंकि उनके ब्रेन में क्या हो गई है? एक बीमारी हो गई थी। उनको स्किन में कुछ भी समझ नहीं आता, बस खुजली होती थी। ऐसी बीमारियां उनको प्रियॉन की वजह से होती है। ये वाली बीमारी मैम एनिमल्स में होती है? एनिमल्स में होती है। इसका ह्यूमंस में भी एक फॉर्म देखा गया, इसी बीमारी रिलेटेड होता है, जिसे बोलते हैं CR जेकब डिजीज, CJD। ह्यूमन में ही ऐसी खुजली वाली बीमारी होती है एक, जिसे CR जेकब डिजीज कहते हैं। वो भी प्रियॉन से होती है। किससे होती है? प्रियॉन्स। तो हमारा ये हो गया लाइकन्स। लास्ट एक टॉपिक दे रखा है, लाइकन्स हमने पहले भी करवा रखा है, कि लाइकन्स एक एल्गे प्लस फंगी को बोलते हैं। जब एल्गे और फंगी दोनों साथ में एसोसिएशन में रहते हैं, उन्हें लाइकन्स कहते हैं। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं इस ऑर्गेनिज्म के, देयर आर टू कंपोनेंट्स। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और एक साथ रहते हैं। एल्गा का कंपोनेंट, एल्गे का पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है, वो फाइकोबायोंट होता है। मतलब ये एल्गे के सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल, तो ये पूरे ग्रीन कलर के होंगे, इसमें क्लोरोफिल होएगा, ये मतलब लाइट अब्सॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन ग्रीन सेल्स हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। ये एल्गे के सेल्स होते हैं, पानी के मतलब किसी भी पहाड़ के ऊपर ग्रो हो रहे होते हैं। अब इन एल्गे के सेल्स में आके साथ में कौन रहने लगता है? फंगस का सेल।
फंगस के फिलामेंट्स इसमें आके रहने लगते हैं, बीच बीच में इसमें आके फंगस के फिलामेंट्स आने के रहने लगते हैं, जाली जैसा बना देते हैं एक दूसरे से, और फंगस के फिलामेंट्स इसमें रहने लगते हैं। तो जो फंगस का मैंने ब्राउन कलर का मार्क किया है, फंगस के पार्ट को इसमें माइकोबायोंट कहते हैं, MYCOBOINT, माइकोबायोंट। माइकोबायोंट इसमें फंगस का टाइप है, फंगस का पार्ट है। और ग्रीन कलर के कंपोनेंट को इसमें एल्गे का कंपोनेंट कहते हैं। एल्गे का कंपोनेंट क्या है? फाइकोबायोंट। जब भी हम पौधे की बात करेंगे तो उसमें फाइको वर्ड, फोटोसिंथेसिस, देखो PHY, ये वर्ड जब ज्यादा आएंगे तो फाइकोबायोंट मतलब पौधे की बात कह रहे हैं, पौधे का कंपोनेंट जो है वो फाइकोबायोंट है। दोनों कंपोनेंट साथ में रहते हैं, माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर का बात। फिर बाद में हम बताते हैं एल्गे फूड कैसे बनाएगा। एल्गे अपना फूड ऑटोट्रॉफिकली बनाएगा, मतलब अपने आप खुद से बनाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा। फंगी अपना फूड कैसे बनाएगी? फंगी का काम क्या होगा? फूड नहीं बनाएगी, फूड एल्गे से पाएगी। एल्गे बना बना के फूड फंगी को भी देगी। फंगी का काम क्या होगा? इट विल एब्जॉर्ब द मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, फ्रेमवर्क देगी लाइकन्स को। लाइकन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स ऑर्गेनिज्म। लाइकन्स पॉल्यूशन इंडिकेट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जहाँ दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, जो पोल्यूटेड एरियाज में कभी भी ग्रो नहीं करते। लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। एग्जाम्पल है लाइकन्स का फोलियोज लाइकन्स, पार्मिला लाइकन, क्रिस्टोज लाइकन, लाइकन थैली। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइकन्स। क्लियर हुआ? मीन्स ये पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं बट ये पोल्यूशन में नहीं होते ग्रो। हाँ, इसीलिए जिस जगह से लाइकन्स खत्म हो जाए उसका मतलब है कि वहाँ पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ लाइकन्स फिनिश हो गए। तो वो लास्ट स्लाइड थी। अब हम एक बार लाइकन्स का डायग्राम देख लेते हैं। वी ट्राई टू सी द डायग्राम्स ऑफ लाइकन्स, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम किसकी बात करें। नेचर में लाइकन्स यहाँ पर पोल्यूशन ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वहां पर लाइकन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाँ, वहां पे लाइकन्स डिस्ट्रॉय होते हैं, क्योंकि वो लाइकन्स उस वाले एरिया में नहीं रह सकते। We cannot live in that area. Okay, ma'am. ये देखो, this is the diagram of lichen. यही चीज मैं आपको बता रही थी, फंगल फिलामेंट्स के साथ साथ बीच बीच में कैसे सेल्स हैं, एल्गे के सेल्स हैं। ग्रीन कलर के एल्गे के सेल्स हैं, ब्राउनिश कलर की फंगस के फिलामेंट्स हैं। क्लियर? यस मैम। देन एक ये भी इमेज है, यू कैन सी ग्रीन ग्रीन एल्गल सेल्स आर देयर एट द टॉप, और अंदर ही अंदर जो धागे जैसे स्ट्रक्चर जा रहे हैं इधर उधर, वो क्या है? फंगस फिलामेंट्स। ये एक फोलियोज लाइकन है, पत्थर पे ऐसा फैला हुआ दिखता है, और अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखे तो इस तरह का दिखता है। पूरा जाल किसका होता है? पूरा जाल यानी माइसीलियम तो किसका होता है? फंगस का। ये पूरा माइसीलियम किसका है? फंगस का है। ये फंगी है पूरी, और जो ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन सेल्स हैं, ये किसके सेल्स हैं? एल्गी के। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें एल्गी और फंगस दोनों हैं, वो क्या होते हैं? लाइकेंस। उन्हें क्या बोलेंगे? लाइकेंस। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई, वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स, लाइकेंस, सभी चीजें क्लियर हो गई? यस मैम। ओके, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ये क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी, अगर आपको नहीं पता चली तो दोबारा से देख सकते हो। ओके ओके मैम। ओके, तो आई एम एंडिंग क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।